हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन मैं अभिषेक कुमार मिश्रा आपको अपने वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे फार्मेसी टॉक अस तो पे सो फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉन्ग डेज वंस अगेन वी आर गोइंग टू मेकिंग अ वीडियोस फॉर यू सो आज हम बात करने वाले हैं जिस एक तरह के डिजीज़ पे कि वो डिजीज़ क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है कैसे पॉसिबल है तो ये हम बात करने वाले हैं तो जो कि हमारा आज का डिज़ीज़ होने वाला है वो है बहुत ही डेंजर एक तरह से डिज़ीज़ कह सकते हैं इसको इसको आप तो सब लोग जानते हैं कैंसर ओके okay. तो जो कैंसर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और जो ड्रग उसमें यूज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे क्यों कौन कौन से ऐसे हैं जिससे कैंसर होते हैं ठीक है इन सब चीज़ों पे हम बात आज करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर्स तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि एक जो कि डिप्लोमा में एक चैप्टर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड में एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स जो जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स क्या होता है तो जो एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स होता है एंटी न्यू प्लास्टिक न्यू प्लास्टिक मीन्स कि ये सीधे सीधे हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से कैंसरस को एंटी कैंसरस ड्रग्स एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स मीन्स एंटी कैंसरस ड्रग्स कंफ्यूज नहीं होना एंटी न्यू मतलब एंटी कैंसरस ड्रग तो एंटी कैंसरस ड्रग्स की एग्जाम्पल हम अगर सॉरी डिफिनीशन की बात करें तो क्या हो सकता है द ड्रग्स विच वी आर यूजिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर इज कॉल्ड एंटी कैंसरस ड्रग्स ओके और एंटी कैंसरस ड्रग ही हमारा क्या है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग का एग्जाम्पल है ये हमें याद रखना है तो जो हमारा एंटी कैंसरस है वही हमारा एंटी न्यो है तो ऐसे ड्रग्स जिसको हम यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट पे जो कि कैंसर से सफ़र कर रहा हो उस पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए हम वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कहलाएगा एंटी कैंसर ड्रग्स ओके सो अब हम देखेंगे कि कैंसर होता क्या है वॉट इज़ द कैंसर कैंसर क्या है एक तरह से डिजीज़ है कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो सेल की डिवीज़न होती है हमारी बॉडी में पहली चीज़ तो हमें यह जानना है जो जितनी हमारी बॉडी है ह्यूम्स बॉडी जो है वो किस जो किस चीज़ से मिल बनी हुई है सेल से मिल बनी हुई है ठीक है तो सेल क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लाइफ तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिल बनी हुई है तो हम क्या होता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं छोटे रहते हैं फिर छोटे से बड़े होते हैं कि जो इंसान बड़ा होता है तो उस क्या होता है उसमें जो सेल्स होती हैं सेल्स की डिविजन्स होती हैं तो सेल डिवीज़न होता रहता है और इंसान बड़ा होता जाता है वो एक सेल से दो सेल दो सेल से चार सेल से हुआ चार से आठ सेल हुआ ऐसे सेल का डिवीजन होता रहता है और इंसान बढ़ता जाता है उसकी बॉडी का सेप साइज बढ़ता रहता है बट प्रॉब्लम कहाँ आती है वो जो सेल की डिवीजन हो रही है जो डीएनए और आरएनए का एप्लीकेशन हो रहा है उनमें जो डिवीज़न हो, हो रही है वो क्या होता है वो डिवीज़न होना बंद हो जाता है या फिर उसकी एबनॉर्मिलिटी कॉज हो जाती है मतलब जो डिवीजन हो रहा है नॉर्मल फेज में जो हो रहा है वो नॉर्मल फेज में ना हो के एबनॉर्मल फेज में होना स्टार्ट हो जाता है क्लियर कि एबनॉर्मल एबनॉर्मल मीन्स जो नॉर्मल ना हो जो सेल की डिवीजन हो रही थी अभी तक एक नॉर्मल वे में एक से दो दो से चार चार से आठ अब क्या वहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल फेज में ना होकर एबनॉर्मल हो रहा है मतलब उसका डिवीज़न पता नहीं कैसे हो रहा है हमें नहीं क्लियर है वो एक से दो हो रहा है दो से तीन हो रहा है तीन से दस हो जा रहा है दस से पंद्रह हो जा रहा है इस तरीके से पूरी डिवीज़न उसकी हो रही है तो इस तरीके की डिवीज़न हो रही है इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं एबनॉर्मल डिवीज़न एबनॉर्मल डिवीज़न मतलब कि जो सेल की जो नॉर्मल डिवीज़न है वो सेल में जो डिवीज़न होती रहती है वो नॉर्मल ना होके एबनॉर्मल मतलब दो से छः से बारह ऐसे क्या होता है एक से दो दो से चार चार से आठ ऐसे होता है एक नॉर्मलिटी से तो अब क्या हो रहा है हमारी बॉडी में जो सेल की डिवीजन हो रही है वो प्रॉपर वे में डिविजन नहीं हो पा रहा है एबनॉर्मल वे से हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं एबनॉर्मल सेल ग्रोथ ठीक है तो एक तरह से ये कह लो कि वॉट इज द कैंसर कैंसर इज द एबनॉर्मल सेल ग्रोथ मतलब जो सेल्स की ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो रही है उसी को कैंसर बोलते हैं जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जब कैंसर की जो सेल है उसके एबनॉर्मल ग्रोथ होता है तो कहीं कही ना कहीं ट्यूमर कॉज हो जाता है और जो सेल्स पुराने सेल्स हैं ओल्ड सेल उनका क्या होता है वो डेड नहीं होते तो जब वो नहीं होंगे और नया सेल बन रहे हैं तो उससे क्या होगा जो बॉडी में जो सेल का मास होगा वो क्या होगा बढ़ जाएगा तो जिससे हमारी बॉडी में जहाँ पे कैंसर होता है वहाँ पे क्या होता है एक ट्यूमर का फॉर्म कर लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं ट्यूमर उसमें क्या होता है सेल की डिवीज़न हो गई और जो हमारे पुराने सेल्स थे जिनको डिस्ट्रॉय होना था वो सेल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो क्या हो गया हमारे मॉसाफ जो मास हुए उसका बढ़ गया तो मतलब हमारी बॉडी में सेल का एक जगह देखोगे तो वहाँ पे ट्यूमर बन जाता है वहाँ पे जो हमारे मसल्स हैं मसल्स के कुछ कई सारे मसल्स आपस में मिलके एक बम्प की तरह वहाँ पे दिखाई देने लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कैंसर ठीक अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉमन फॉर्म होते हैं जैसे कि कैंसर के उसमें बेसिकली तीन फॉर्म में उसको बोला गया है एक हमारा बोला गया कार्सिनोमास सार्कोमास और ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया तो सुना ही होगा कार्सिनोमास सार्कोमास ल्यूक्योमिया ये तीन तरह के कॉमन फॉर्म होते हैं मतलब कैंसर जैसे कि अब देखो अब डिफिनीसन बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कार्सिनोमास कार्सिनोमास मतलब जो हमारा कैंसर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है स्किन पे या फिर इंटरनल ऑर्गन्स में हमें कैंसर हो रहा है हम उसको बोलेंगे कार्सिनोमास सार्कोमास स्पेशली इसको वो कर रहा है जैसे कि हमारे बोन में अगर कैंसर हो रहा है ठीक है उसको क्या बोलते हैं हम सार्कोमास कैटेगरी में ल्यूक्योमिया ल्यूक्योमिया क्या होता है ल्यूक्योमिया में हमारे जो कैंसर से वो कहाँ होता है हमारे हमारे ब्लड में ब्लड में अगर कैंसर होते उसको हम बोलेंगे ल्यूक्योमिया क्लियर अब कुछ ऐसा कैंसर है जैसे कि लंग्स कैंसर ब्रेस्ट कैंसर कोरल रैक्टर कैंसर किडनी कैंसर सो अब हम बात कर रहे हैं कि एक इसका क्लासिफिकेशन पे कि जो एंटीनियो प्लास्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है तो एंटीनियो प्लास्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन तो वैसे तो एक्जैक्टली exactly देखा जाए तो बहुत ही लार्ज है ठीक है जिसको मतलब याद करना डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होना क्योंकि इसका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है बट मैंने अरेंज करके आपको सबसे छोटा सा क्लासिफिकेशन लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में आप उसको आराम से लिख सकते हो बिना किसी हेडक के और उसको आप इजली याद भी कर सकते हो ईज़ली याद करिए और एग्ज़ाम में आके लिख दीजिए आपको नंबर अच्छे मिलने वाले तो क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सबसे पहले इसको हम छः क्लास में डिवाइड किए हैं ठीक है सर नंबर वन की बात करेंगे एल्काटिंग एजेंट याद रखिएगा एल्कालेटिंग एजेंट एंटी मेटाबोलाइट एंटीबायोटिक प्लांट प्रोडक्ट्स हार्मोनल और मिसलेनियस, ओके फिर से देखते हैं एंटी मेटाबोलाइट ठीक है एल्काइलेटिंग एंटीबायोटिक और मिसलेनियस और हार्मोनल, ये हमारा टोटल छः है छः क्लास में डिवाइड किया गया है ठीक है तो इसको आप बाकायदा ईजिली रट लीजिएगा रटना ईजी है ठीक है छः ही है तो आराम से एंटीबायोटिक तो कामन है एंटीबायोटिक आपको याद ही रहेगा मिसलेनियस मिसलेनियस कामन है जो सब में आता है प्लांट प्रोडक्ट हार्मोनल और एल्काइलेटिंग एजेंट और एंटी मेटेबलेट यही हमको दो तीन याद करना है तो अब एक एक हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना है बस सफिसियंट है आप चाहो तो दो याद कर सकते हो तीन याद कर सकते हो चार याद कर सकते हो आप बस जितनी कैपेसिटी याद करने की आप उतना याद कर लो बट फिलहाल एक एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाने वाला है तो सबसे पहले याद कर लीजिए एल्काइलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल है क्लोरम ठीक है एल्काइलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल हमारा क्लोरम है और एंटीमेटाबुलइट का मीठा ट्रैक्सेट मीठा ट्रैक्सेट ये हमारा एग्जाम्पल किसका है एंटी मेटाबोलाइट का एंटीबायोटिक का डाउनो रोबेसिल याद कर लेना है ठीक है एंटी एंटीट एंटीबायोटिक का डाउनो रोबेसिल और प्लांट प्रोडक्ट का हमारा प्लांट प्रोडक्ट प्लांट प्रोडक्ट प्लांट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल रखना विंड ब्लास्टिंग ठीक है प्लांट प्रोडक्ट का विंड ब्लास्टिंग हारमोन का टेस्टोलैक्टोन और मिसलेनियस का होगा सेस ठीक है सस्ला तीन बोला जाता है या फिर सिस प्लाटीन बोल दीजिए आप कुछ भी लिख दीजिए क्लियर है सिस प्लाटीन उसका याद रख लेना है हमारा मिसलेनियस का प्लांट प्रोडक्ट का विंड ब्लास्टिंग याद रख लेना है हारमोनियर का टेस्टोलैक्ट्रॉन याद रख लेना है एंटीबायोटिक का डाउनोरोबिस याद रख लेना है और और हमारा जो बाकी बच्चा एल्काइलेटिंग एजेंट का क्लोरम्बोसिल और एंटी मेटाबोलाइट का मेथाट्रेक्टोट ये हमको बिल्कुल क्लियर याद कर लेना है अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिससे हमारा कैंसर होता है तो ये तो वेल well नोन है हम सबको पता है हर जगह बाकायदा गवर्नमेंट ने अब तो पोस्टर भी लगा के रखा है कहीं भी आप चौराहे पे जाओ कहीं भी मार्केट में जाओ तो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमें कैंसर होता है बट हम फिर भी उस चीज़ को फॉलोअप नहीं लेते हैं तो आपसे आप तो डिप्लोमा और बैचलर कर रहे हो मास्टर्स कर रहे हो आप तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो तो आपका ये ज़िम्मेदारी बनता है एटलीस्ट आप तो लोग इस चीज़ को ना करें और जो कर रहा है उसको रोकें ठीक है तो सबसे पहला है जो कि सब जानते हैं टोबैको चुबिंग जो हम लोग टोबैको यूज़ करते हैं टोबैको खाते हैं ठीक है बहुत लोग खाते हैं आजकल तो फैशन होता जा रहा है हम देख देख دे, देखो तो फैशन होता जा रहा है टोबैको से अल्कोहल से स्मोकिंग से स्मोकिंग तो कामन होता जा रहा है आप स्मोकिंग करते हो अगर आप स्मोकिंग खाते हो टोबैको से और अल्कोहल से ये सब सारी चीज़ों से क्या होता है हमारा ये सब चीज़ों से हमारे कैंसर के चांस होने के चांस और ज़्यादा हो जाते हैं या फिर हैवी रेडिएशन कुछ ऐसे रेडिएशन होते हैं जिससे क्या होता है हैवी रेडिएशन से भी हमें कैंसर के होने के चांस बढ़ जाते हैं तो और उसके अलावा डाइट अगर हम प्रॉपर वे में डाइट नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा हमें कैंसर होने के चांस बने रहते हैं बॉडी में तो अगर हम कॉज की बात करें तो आपको याद रखना टोबैको अल्कोहल स्मोकिंग रेडिएशन डाइट ये पांच या छह हैं आपको बिल्कुल रट लेना है टोबैको अल्कोहल स्मोकिंग डाइट और सॉरी ये कोई भूल रहे हैं रेडिएशन हाँ सॉरी रेडिएशन ये आपको बिल्कुल याद करके रख लेना है अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है हमारा इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होने वाला है तो इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली तीन तरीके से कैंसर के पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती है ठीक है एक तो पहला सर्जरी हो गया ठीक है सर्जरी दूसरा कीमोथेरेपी और तीसरा रेडिएशन के थ्रू ठीक है तो सर्जरी में क्या होता है सर्जरी में जिस अगर बॉडी के हमारे जिस पार्ट में या फिर जिस आर्गन में कैंसर है ठीक है कैंसर का कैंसर सेल्स है उसको पूरा सेल को आ, सर्जरी की मतलब ऑपरेशन किया जाता है और उस पार्ट को या फिर उस उत सेल्स को उठा के बाहर निकाल के रख दिया जाता है हटा दिया जाता है बॉडी से वो हो गया सर्जरी में कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी में क्या होता है हम किसी न किसी केमिकल्स के थ्रू वो जो कैंसरस सेल है उसको क्या करते हैं हम डिस्ट्रॉय करते हैं मतलब कीमोथेरेपी में हम क्या कर रहे हैं कि कीमोथेरेपी में हम उसको किसी न किसी केमिकल्स के थ्रू ही उसको क्या कर रहे हैं हम चीज़ों को बॉडी से निकाल रहे हैं और नंबर थर्ड आता है हमारे रेडिएशन रेडिएशन में क्या करते हैं रेडिएशन में हम एक्स रेज यूज़ करते हैं एक्सरेज क्या करता है एक्सरेज़ को हम बॉडी पे के ऊपर करते हैं जिससे वो एक्सलस क्या होता है हमारी बॉडी में जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनको क्या करता है उनको क्या करता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है तो हमारा ट्रीटमेंट क्या तीन मेथड याद रखना है सर्जरी कीमोथेरेपी और रेडिएशन सर्जरी में हम उसको ऑपरेशन करते हैं और जिस बाट में जिस पार्ट में हमारे कैंसर्स हैं कैंसरस, है, कैंसरस सेल्स हैं उसको हम ऑपरेशन करके बाहर निकाल देते हैं कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं जो केमिकल्स क्या करते हैं हमारा वो उसको बाहर निकाल देता है वो केमिकल्स उसल्स को किल कर देता है या फिर उसको हटा देता है डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसके बाद नंबर थर्ड रेडिएशन रेडिएशन में हम कौन सा रेज यूज करते हैं एक्सरेज एक्सरेज क्या करता है वो जो भी कैंसरस सेल्स हमारी बॉडी में है उसको क्या करता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है क्लियर अब जाते जाते सबसे लास्ट में एक बात कर लें ऑन्कोलॉजी क्या होती है ऑन्कोलॉजी ऑनकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस वेयर वी लर्न अबाउट द डायग्नोसिस थेरेपिटिक एंड मैनी टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द कैंसर इस कॉल्ड ऑंकोलॉजी डिपार्टमेंट आप कहीं हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ लिखा होगा ऑंकोलॉजी डिपार्टमेंट तो ऑंकोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारा क्या क्या आ जाता है एक तरह से मेडिकल टर्म से हमारा अंकोलॉजी डिपार्टमेंट ठीक है जिसमें कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है हमारे ऑंकोलॉजी डिपार्टमेंट में तो कहीं भी ऑंकोलॉजी लिखे मतलब कि वो क्या है कैंसर तो कैंसर को हम क्या एक तो सबसे पहले बोला हमने एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स एंटी एंटीन्योप्लास्टिक ड्रग्स का मतलब एंटी कैंसरस ड्रग उसके बाद चलो ये चीज़ें याद रखें एंटी न्योप्लास्टिक और एंटी कैंसरस में कोई डिफरेंस नहीं है उसके बाद जो लास्ट में हमारा क्या है ऑंकोलॉजी ऑंकोलॉजी क्या है एक तरह सा मेडिकल्स जो मेडिकल होते हैं उनमें ब्रांच है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैंसर से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं उसकी डायग्नोसिस क्या है उसके रिसर्च क्या है उसकी दवाएं कौन सी हैं कैसे काम करती है ये सब सारी रिसर्च किस में काम करती है हमारे अंकोलॉजी डिपार्टमेंट में तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा उसके अलावा भी हो सकता है कुछ लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न्स हों तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको कहीं भी अगर कोई कन्फ्यूज़न अभी भी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे कमेंट करके पूछिए और अगर हाँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो भी आप कमेंट करके ज़रूर ही अपना फ़ीडबैक दीजिए बिकॉज़ योर आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए क्या हो एक वैल्यूबल है अगर आप फीडबैक देते हो इससे क्या होता है कि हम हमें और अच्छा लगेगा तो आई होप आपको जरूर मेरी बातें समझ में आई होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लाइक like और शेयर करना है बाकी आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा मैं वहाँ पे आपको ज़रूर बताऊँगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ओके थैंक यू